टोंक में संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रैक्टर चालक की मौत के पांचवें दिन भी रविवार को भी शव का पोस्टमार्टम नहीं हो सका। शव डी फ्रिज में ही पड़ा रहा। शव नगर फोर्ट अस्पताल के डी फ्रिज में रखा हुआ है। वहीं इस प्रकरण में विधायक हरीश मीणा, जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा आमरण अनशन पर बैठे हैं। अनशन पर बैठे दोनों विधायकों का चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण भी किया। धरना स्थल पर विधायक रामनारायण मीणा, डॉक्टर विक्रम सिंह गुर्जर सहित राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, प्रहलाद गुंजल और सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने भी धरने को समर्थन दिया है। धरना स्थल पर प्रभुलाल सैनी और अजीत सिंह मेहता भी पहुंचे। आला अधिकारी मौके पर रहकर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। कुछ लोगों ने सरकार की कार्यशैली से नाराज होकर सरकार का पुतला भी फूंका, लेकिन सरकार के इस गंभीर मामले में चुप्पी को लेकर विधायकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। वहीं इस मामले में मंत्री रमेश मीणा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी मुलाकात की और मामले में पूरा फीडबैक दिया। रमेश मीणा ने विरोध प्रदर्शन के समाधान पर चर्चा की, जिसके बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये मांगे हमने पहले दिन ही 29 तारीख को लिखित रूप से सरकार को दे दी है और सरकार चार मांग मानने को तैयार है, FIR दर्ज करने को तैयार है, उन लोगों को सस्पेंड करने को तैयार है, CID से जांच कराने को तैयार है, बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने को तैयार है। अभी जो मुद्दा अटका हुआ है वो है उसके परिवार में से किसी एक व्यक्ति को नौकरी देने का। सरकार कुछ पैसा देना चाहती है, कितना पैसा ले लो, नौकरी दिक्कत है। हमारा ये कहना है कि आर्थिक सहायता तो आपको देनी पड़ेगी, उसका तो कानून है, वो तो वैसे ही मिल जाएगी उसको, पर नौकरी जो विधवा है 25 साल की, वो अपनी जिंदगी किसके भरोसे काटेगी? उन छोटे छोटे बच्चों का भरण पोषण शिक्षा कौन ध्यान रखेगा? उसके लिए साधन चाहिए, न तो उसके गांव में जमीन है न कहीं धंधो है। एक नौकरी मिल जाएगी तो परिवार को एक सहारा मिल जाएगा।